नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पूर्वांचल पत्रिका की आज की तमाम बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकलकर आ रही हैं, जानेंगे एक एक कर विस्तार से। लेकिन इससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से कुछ बड़े कानून और नए नियम लागू किए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले जान लेते हैं फटाफट महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 37,336 पहुंच गई है, जबकि 9,951 लोग ठीक हुए हैं। तो वहीं दुख की बात यह है कि अब तक 1,218 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं यदि हम विश्व की बात करें तो विश्व भर में अब तक 33,59,055 मरीज सामने आए हैं, जबकि 10,59,255 मरीजों को ठीक कर उनके अपने घर भेजे जा चुके हैं। तो वहीं दुख की बात यह है कि अब तक विश्व भर में 2,38,999 मरीजों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, जिस रफ्तार से यह महामारी बढ़ती जा रही है, हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देखें तो यह आंकड़ा और भी बढ़ गया। इस समय भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या कितनी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। पहली बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही है, पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत महिला खाता धारकों को भेजी जा रही है दूसरी किस्त। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा देश का गरीब तबका प्रभावित हुआ। बीते महीने गरीब वर्ग को राहत का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1,70,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। इसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत महिला खाता धारकों के खाता में अगले 3 महीने तक 500 रुपये देने की बात कही गई थी। अप्रैल माह में महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए थे, तो वहीं अब सरकार की ओर से मई माह की किस्त भी भेजी जा रही है। वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवाओं से जुड़े विभाग के सचिव देवाशीष पांडे ने एक ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देवाशीष पांडे ने कुछ देर पहले ट्वीट किया, पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत पीएमजेडीवाई की महिला खाताधारकों को ₹500 की मई माह की किस्त बैंकों में भेजी जा रही है। पैसे पूरी तरह सुरक्षित है, कृपया बैंकों में भीड़ लगाने से बचे और अपने सीएसपी बैंक मित्रों से रकम ले, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते गुरुवार गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ भी कोविड-19 महामारी के मद्देनजर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय निवेश बढ़ाने के साथ साथ अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के विभिन्न उपायों पर विस्तार से चर्चा की थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, पीएम मोदी ने दूसरे राहत पैकेज को लेकर मंत्रियों के साथ की बैठक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन से प्रभावित उद्योगों को दूसरे राहत पैकेज देने के बारे में गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित प्रमुख मंत्रियों तथा आर्थिक मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ शनिवार को हुई बैठक की। मिली जानकारी के अनुसार सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने शाह और सीतारमण के साथ विचार विमर्श किया। वह इसके बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम अर्थात MSME जैसे अन्य प्रमुख आर्थिक मंत्रालयों के मंत्रियों के साथ भी संबंधित मुद्दों पर बैठक करेंगे, जिसके बाद वित्त मंत्रालय शनिवार को ही बाद में प्रधानमंत्री मोदी को अर्थव्यवस्था की स्थिति तथा इसे संभालने के लिए मंत्रालय की ओर से विचार किए जा रहे आगे के संभावित कदमों को लेकर एक विस्तृत प्रस्तुति भी देने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मंत्रालय ने माल एवं सेवा कर अर्थात GST संग्रह के मासिक आंकड़ों को शुक्रवार को जारी करना टाल दिया था। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को नागरिक उड्डयन, श्रम और शक्ति सहित विभिन्न मंत्रालयों के साथ बैठक भी की थी। उन्होंने गुरुवार को वाणिज्य और MSME मंत्रालयों के साथ घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करने तथा देश में छोटे व्यवसायों के पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विस्तृत विचार विमर्श भी किया था, जिसके बाद सरकार ने हाशिए पर स्थित लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए मार्च के अंत में गरीब महिलाओं और बुजुर्गों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा भी की थी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, लॉकडाउन 3.0 पर कांग्रेस ने लगा दी सवालों की झड़ी। कहा, न प्रधानमंत्री सामने आए और न गृह मंत्री, तो फिर लॉकडाउन 3.0 लगाया किसने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए तीसरी बार लॉकडाउन पर कांग्रेस ने कई सवाल पूछे। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने पूछा कि मजदूरों की घर वापसी, भयंकर बेरोजगारी, ठप होते व्यवसायों और संकट से घिरी अर्थव्यवस्था से उबरने के लिए सरकार के पास क्या रोड मैप है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कल शाम गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर 17 मई 2020 तक लॉकडाउन 3.0 लागू कर दिया। सुरजेवाला ने कहा, देश को न कुछ बताया, न सुझाया, न रास्ता बताया, न समय सीमा बताया और न ही मुश्किलात का हल, न देशवासियों के मन की बात सुनी, न अपनी कही और न ही देश के मन में उठ रहे लाखों सवालों का जवाब भी दिया। इतना ही नहीं, सवालों की फेहरिस्त को आगे बढ़ाते हुए रणदीप सुरजेवाला ने पूछा कि मध्यम वर्ग, वो नौकर पेशो लोगों की बर्खास्त होती नौकरियों को काटी जा रही है, तनख्वाहों को रोकने का क्या रास्ता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही है, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों से कहा, प्रवासी मजदूरों का विशाल हुजूम उमड़ सकता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें,
बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि 10 लाख प्रवासी मजदूर के वापस राज्य लौटने की उम्मीद है और इन सभी को 14 दिन के बजाय 21 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह आदेश आला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक में दिया। बैठक में उनके कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद थे। 6 घंटे तक चली इस बैठक में मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में सभी प्रवासी मजदूरों की स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बैठक में सीएम नीतीश ने अधिकारियों से उस वक्त के लिए कमर कसने को भी कहा जब लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूरों, छात्रों और तीर्थयात्रियों को केंद्र द्वारा चलाई जाने वाली विशेष ट्रेनों से घर लाया जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, मुख्य सचिव दीपक कुमार और पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे समेत अन्य शामिल हुए। साथ ही राज्य भर के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि रेलवे स्टेशन से प्रवासी मजदूरों को उनके घर के पास स्थित पृथक केंद्रों तक ले जाने के लिए पर्याप्त वाहनों की व्यवस्था होनी चाहिए। गाँव में जागरूकता अभियान चलाया जाए जहाँ लाउडस्पीकरों पर वर्तमान स्थिति में जरूरी एहतियात के संबंध में संदेश सुनाया जाए। जहां आपको बता दें कि बिहार में कोरोना वायरस के प्रकोप के मामले शुरुआत में कम थे लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ने लगी। कुछ हद तक बाहर से संक्रमण लेकर आने वाले लोगों के चलते नीतीश कुमार ने कहा कि अब हमें खुद को उस स्थिति के लिए तैयार रखना होगा जो लॉकडाउन के संबंध में केंद्र के संशोधित दिशा निर्देशों के मद्देनजर विशाल हजूम उमड़ने के कारण उत्पन्न हो सकती है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही है, पूर्वोत्तर के 8 में से 5 राज्य हुए कोरोना फ्री, एक भी जिला रेड जोन में नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में जहां कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा, वहीं इस बीच पूर्वोत्तर से अच्छी खबर मिल रही है। पूर्वोत्तर के 8 में से 5 राज्य कोरोना मुक्त हो चुके हैं। देश में पूर्वोत्तर का ज्यादातर हिस्सा अब ग्रीन जोन में है। पूर्वोत्तर में अब कोई भी जिला रेड जोन में नहीं है, वहां कुछ ऑरेंज जोन बचे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में सोमवार से सभी तरह की गतिविधियों के शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। कोरोना मुक्त होने के बाद पूर्वोत्तर की राज्य सरकारों का फोकस अपने अपने राज्यों के फंसे हुए लोगों को वापस लाना है। वहाँ फंसे हुए लोगों को वापस लाने की कवायद शुरू भी हो चुकी है। हाल ही में असम समेत कई राज्यों के कोटा में फंसे हुए छात्रों को वहाँ की सरकारें वापस लेकर आई थी। जैसे आपको बताते चले कि दुनिया भर के देशों के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार 180 से ज्यादा देशों में फैल चुका यह वायरस अब तक 2 लाख से ज्यादा जाने ले चुका है, जबकि दुनिया भर में 33 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही है, मौत की अटकलों के बीच कई हफ्तों बाद पहली बार सामने आए उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के स्वास्थ्य को लेकर पिछले 1 महीने से कयासों का दौर जारी है। इस बीच शुक्रवार को किम जोंग पहली बार सार्वजनिक रूप से एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री का उद्घाटन करते हुए नजर आए हैं। समाचार एजेंसी KCN ने शनिवार को यह सूचना दी। खबर के मुताबिक किम शुक्रवार को राजधानी प्योंगयांग के नजदीक सुनचान में एक कार्यक्रम में नजर आए। कोरिया के केंद्रीय समाचार एजेंसी के मुताबिक किम जब इस कार्यक्रम में शामिल हुए तो सभी लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने फैक्ट्री का जायजा लिया और उत्पादन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। रिपोर्ट में कहा गया कि इस दौरान किम ने कहा कि यदि उनके दादा और पिता यह खबर सुनते कि आधुनिक फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई है तो उन्हें बहुत खुशी होती। यहां तक को बता दें कि किम जोंग उन 15 अप्रैल को अपने दादा के जन्मदिन के समारोह में शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद से उनके स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ रही थी। यहां तक कि कुछ खबरों में उनकी मौत तक की भी आशंका जताई जा रही थी, जिसके बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के शीर्ष सुरक्षा सलाहकार मून चुन इन ने किम के स्वास्थ्य को लेकर आ रही अफवाहों के बीच दावा किया था कि किम जोंग उन जीवित है और ठीक भी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।